अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहा शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ऐसा था कि जो प्राइवेटाइजेशन को लेके बात चल रही है, तो जिस तरीके से 18 तारीख के पेपर में जब न्यूज़ आई थी तरुण मित्र में, तब हमने फ़ौरन जो है कमिश्नर साहब से इस बारे में बात की थी और उनसे कहा था, उनसे पूछने की कोशिश की थी कि भाई ये जो हॉस्पिटल है आप कह रहे हैं कि प्राइवेट होगा, स्कीम के अंडर चलेगा, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था पूरे मुमरा के माहौल में। तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई ये हॉस्पिटल किस तरीके से चलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये स्कीम है और आप फला फला जगह पर एक हॉस्पिटल है, हम वो जिस तरीके से एक स्कीम के अंडर चलता है हम भी उसको वैसे ही चलाने वाले हैं। तो हमने उस हॉस्पिटल का भी सर्वे किया, हमने जानने की कोशिश की कि भाई वो हॉस्पिटल किस तरीके से चलता है। तो वहाँ पर जाकर हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल जो है ना, वो PPP मॉडल पे चल रहा है। PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी आप किसी कोई एक पब्लिक फर्म है वो प्राइवेट फर्म को देती है रन करने के लिए, कोई भी चीज़ों को चलाने के लिए, ठीक है। तो अब एक ड्रॉबैक क्या होता है ये PPP मॉडल का, कि हमेशा जो लॉस्ट होता है ना वो पब्लिक सेक्टर का होता है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा जो है वो गेन करके ले जाती है कोई भी प्रॉफिट को। एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी PPP मॉडल की, कि अगर किसी को भी एक सड़क बनाना है, सरकार को एक सड़क बनाना है और उनको लगता है कि ये मामले में देरी हो जाएगी या हमसे देरी हो जाएगी या हमारे पास मैन पावर कम है, तो वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अपॉइंट करता है इस चीज़ के लिए। और या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को देगा और कहेगा कि भाई आप ये रोड है, ये रोड बनाने के पैसे। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको बोलेगा कि आप यहाँ पर टोल लगा दीजिए, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपका, ठीक है। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो लॉस्ट हमेशा पब्लिक सेक्टर का होता है और फ़ायदा हमेशा प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, ठीक है। तो इसी ये PPP मॉडल पे ये जो हमारा कौसा स्टेडियम का जो हॉस्पिटल है वो भी चलने वाला है। तो ये जो श्रीनगर एरिया में जो बताया गया था कि प्लैटिनम हॉस्पिटल जो है एक प्राइवेट फर्म है जिन्होंने मातोश्री गंगूबाई संभाजी शिंदे हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल को अडॉप्ट किया था और वो दो स्कीम के अंडर चल रहा है। वो स्कीम क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ठीक है। आप जो स्कीमें बता रहे हैं ये सब स्कीमें और भी हॉस्पिटलों में चल रही है, प्राइवेट है उसमें भी चल रही है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में जो मुंब्रा के कौसा का हॉस्पिटल है, हाँ, इसे प्राइवेट से रोकने के लिए, हाँ, बेचा ना जाए इसे रोकने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे, किस तरह की मांग करें और किसे किसे अब तक लेटर दिया है? ऐसी स्कीम का, ऐसे हॉस्पिटल का हमारा कोई फायदा नहीं है। हमको एक सीधा साधा सरकारी हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पर हम एक 10 रुपए का फॉर्म लेते हैं एडमिशन के लिए, हमको ये बीमारी आती है, हमारी कंसल्टेशन से लेके हमारी ब्लड टेस्ट से लेके हमारी एवरीथिंग जो है वो फ्री और कम दामों में होती है। स्कीम जो है वो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चल रही है, तो हमें इससे कोई फायदा नहीं है। तो हम जो चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो बनाने की कोशिश की जा रही है ये हॉस्पिटल नहीं है। अभी आपने जैसे सवाल किया कि आपने इसके लिए क्या किया, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमने कमिश्नर से बात करके, अभी हम लोग व्यक्ति ठीक है ऑफिशियल तरीके से तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में गए, पुलिस डिपार्टमेंट से हमने कहा कि भाई आपको भी तो MLC की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई केस वगैरह आ जाता है तो आपको भी ज़रूरत पड़ती है, आपको भी सरकारी हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। हमने मौलाना को, आज जुमा के दिन यहाँ पर बहुत लोग गवाह है, बहुत लोगों ने मुझसे भी आकर कहा कि हम लोगों ने जो है वो, हम लोगों ने कम से कम 3-4 दिन से हमारे काम चल रहे, हमारी जो पूरी टीम है मुस्लिम लीग मुमरा की, हमारे मुमरा अध्यक्ष है, दोहाना जिला अध्यक्ष है, बाकी अमीर शेख है, हाँ, हर कोई जो है वो हर मस्जिदों में जा जाकर ये लेटर दे रहा है और उनको बता रहा है कि भाई आप जो है लोगों के हकूक़ के बारे में उनको समझाइए। ये दरअसल ये जो हॉस्पिटल है ये हमारी जायदाद है भाई, हमने ख़रीदा है, TMC ने इसको ख़रीदा है। और ये हॉस्पिटल आपको मैं बता दूं कि ये ज़मीन जो है ये हमने ख़रीदी थी, हमने मतलब हमारे टैक्स के पैसे से ये TMC ने ज़मीन ख़रीदी है। 1.5 करोड़ का जो हॉस्पिटल, पहले जो हॉस्पिटल था वो 54 करोड़ का बनने वाला था, कितने वाले का, 3 माले का, लेकिन आज 150 करोड़ का, 1 करोड़ 56, हाँ, 150 करोड़ का जो हॉस्पिटल बन रहा है, 1 माले का हॉस्पिटल, यानी आप समझ लीजिए 102 करोड़ रुपए का जो है वो करप्शन हो रहा है। और ये 102 करोड़ का करप्शन ये सारे अधिकारियों ने मिलके किया है, और ये 20 साल, ये जो 14 सालों से 20 सालों से जो इंतजार से, ये सारे अधिकारियों ने, यहाँ के कॉरपोरेटर्स ने, यहाँ के MLA ने मिल के ये सारे करप्शन किए हैं।
आप करप्शन की बात कर रही हैं, अगर आपको मालूम है कि इतने अधिकारी इसमें शामिल हैं, इतने नगर सेवक शामिल है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? नहीं नहीं हाँ नहीं, अभी कैसा है कि अभी हम लोग, आपको सबको पता है कि मुस्लिम लीग जो है वो पेपर वर्क पे बहुत काम करती है, तो हम लोग कुछ सबूतों के इंतज़ार में हैं। हम लोग हाँ पेपर वर्क हमारा चालू है, इसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज़ रिवील करना चाहूँगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी वक्त है। हम लोग ना अभी कोर्ट में जाने वाले, क्योंकि हम लोग को हमारा फाइनल यही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होने वाला सारे। कोर्ट में हम इस मामले को लेकर, देखिए कोई भी चीज़ है ना, जैसे टोरेंट का भी एक सिंपल सा मामला बता दूँ, टोरेंट जब आने वाली थी तो उसमें ऐसा था कि एक से डेढ़ साल में अगर जनता जो है वो फैसले से खुश नहीं है तो आप उसको उसका अग्रीमेंट रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो है हमारे पास टाइम है, हमारा प्रपोजल अब तक पास नहीं हुआ है, अब निकला नहीं है, टेंडर हमारा अब तक पास नहीं हुआ है, तो हमारे पास वक्त है, हम कोर्ट को जाके ये अपील कर सकते हैं, ये स्टे उन पर स्टे लगा सकते हैं, और हमको कह सकते हैं कि भाई हमको प्योर सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, हमको कोई भी स्कीम के अंतर्गत चलने वाला कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए। ये लोगों में ना ये सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों को अप्रोच करता है। अगर कल को हर घर में, मैं मानती हूँ हर घर में मेटर्निटी की ज़रूरत पड़ती है हर घर में, लेकिन वो फैसिलिटी आपको ये स्कीम के अंडर में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये तो हमारा ऑफिशियल, ये हमारा काम चल ही रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ और कागजात जो है इस पर जमा हो जाए, ताकि हम डायरेक्टली किसी को क्लेम कर सके कि भाई ये लोग जो है इसमें शामिल है, और हमको जो है वो प्योर सरकारी अस्पताल चाहिए, हमको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चाहिए हमको। और आखिर में मैं आपको बता दूँ कि ये मुहिम हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि इसके संबंध में सीएम को और मंत्रियों को लेटर वगैरह दिए थे। जी जी, हमने इसके संपर्क में, देखिए हमने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब जो पूर्व अभी रह चुके हैं उनको दिया, और मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को दिया था, जो गार्डियन मिनिस्टर रह चुके जो अभी सीएम बन चुके हैं उनको हमने दिया, एकनाथ शिंदे साहब को, फिर हमने यहाँ के एमएलए को दिया ये लेटर, और टीएमसी कमिश्नर को भी दिया हम लोगों ने ये लेटर, और हमने उनसे कहा है कि ये जो है हमको सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की या तंजीमों में या किसी भी तरीके की स्कीम में चलने वाला हॉस्पिटल नहीं चाहिए। अभी तो महाराष्ट्र सरकार जो है बदली हो गई है, अभी खुद एकनाथ शिंदे साहब मिनिस्टर जी 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 मुख्यमंत्री हो गए, हाँ तो क्या आप लोग दोबारा मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, हमको जहाँ तक जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आखिरी दरवाज़ा अगर कहीं से भी बात नहीं बनती है तो आखिरी दरवाज़ा वो कोर्ट का होता है, वो हम ठकठकाएंगे, क्योंकि उसके पेपर्स हम रेडी कर रहे हैं, हर चीज़ रेडी हो चुकी है, कुछ पेपर्स और आने बाकी है, जिसमें साबित होगा इंशाल्लाह कि ये प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे किसका हाथ है, और वो लोगों को हम डायरेक्ट क्लेम करेंगे। आखिरी सवाल, आपने जो आरोप लगाया कि इसमें कई अधिकारी और नगर सेवक हैं जो भ्रष्टाचार की है, तो उनको लेकर आप क्या किस तरह की जो तैयारी कर रही है? मैं हर किसी से एक अपील कर रही हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को, ऐसे नाकारा लोगों को लाकर क्या हुआ है? आपको 20 साल में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। कानूनी तौर पे क्या कर रहे हैं? कानूनी तौर पे अभी हम लोग के, देखिए अभी हर चीज़ में रिवील नहीं करूँ, सिर्फ इतना मैं बोलूँगी कि हमारे पेपर्स डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, वो अगर करने रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका भी फॉलोअप आपको दूँगी।